जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई जब इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के दो डिब्बे स्टेशन पर पहुंचने से पहले पटरी से उतर गए। यह घटना शनिवार सुबह 5:30 बजे हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रेन की गति धीमी होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित रहे। रेलवे विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैक पर आवागमन शुरू करने का काम शुरू कर दिया है और मौके पर अधिकारी पहुंच गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि यह दुर्घटना ट्रेन के प्लेटफॉर्म से 150 मीटर पहले हुई। ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिस वजह से कोई घायल नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस की है, जो इंदौर से आ रही थी और जबलपुर जा रही थी। यह घटना रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जबलपुर संभाग में एक और ट्रेन दुर्घटना होते होते बची थी। नैनपुर जबलपुर ट्रेन के लोहे की छड़ से टकराने के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मामले की जाँच शुरू कर दी थी। हालांकि यह घटना किन कारणों से हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ मिलकर इन घटनाओं की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि ये दुर्घटनाएं किसी साजिश का हिस्सा है या महज दुर्घटना। जांच के परिणामों के आधार पर रेलवे सुरक्षा के संबंध में आगे के कदम उठाए जाएंगे।